क्योंकि इनका हमने बाद में लगाया है तो हो सकता है कि इनके 28 दिन पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन आपका काम डेली सुबह ये है, एक रात पहले ही आप निकाल लेंगे कि आगामी एक सप्ताह में कितने लोग किस तारीख में 28 दिन पूरे हो रहे हैं। साहब और DIO है, मुझे अगली बार से जब आप TL में आएंगे, ठीक है, आप मुझे ये दो चीजों की जानकारी देंगे कि सबसे पहला कि इस हफ्ते में हम लोग के टारगेट कहाँ हैं, क्या क्या हैं, और जितने सेंटर हम खोल रहे हैं उसमें हमारा क्या क्या टारगेट रहेगा। इसके अलावा आगामी सप्ताह में हमारे सेकेंड डोज कितने लोगों को लगेगा, किस किस तारीख में, और ये प्रत्येक DMO के साथ में और जिसको हम लोग जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, बाकी लोगों को जिनको हमने फील्ड में भेजा है, उनके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि कितने लोगों को हम सेकेंड डोज देंगे। कोई चौराहा हो सकता है, चौक हो सकता है, दुकान के सामने हो सकते हैं, आपके शहर का प्रमुख केंद्र हो सकता है। पर वहां 2 मिनट जब तक साइन बजता है खड़े रह के आप मास्क लगाने और लगवाने का संकल्प है, संकल्प बोल के नहीं रहना है, मौन रह के ही रहना है, वो प्रतीक ही होगा साइरन के, हम संकल्प ले रहे हैं। और बाद में मैं स्वयं भी 2 मिनट यहां भोपाल में खड़ा रहूंगा तय स्थान पर, और बाद में दुकानदारों के साथ दुकानों के सामने गोले बनाऊंगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो गोले बनाते हैं ताकि पास पास खड़े ना हो, और आप सब मंत्री साथियों से, विधायक साथियों से, क्राइसिस मैनेजमेंट के बाकी सम्मानित सदस्यों से और सभी अफसरों से, अफसरों को भी निकलना है कि वो भी जहां वो खड़े हैं वहां दुकानों पे गोले बनवाएं। ये प्रतीकात्मक है, लेकिन 15-20 मिनट हम इस काम में लगे ताकि व्यापक पैमाने पर जन जागरण हो सके। हम गोला बनाते भी दिखेंगे तो उसका भी एक संदेश है। कोरोना रोकने का एकमात्र तरीका है मास्क और दूरी और साबुन से हाथ धोना। मास्क अगर लगाए तो कोरोना आ ही नहीं सकता आपके पास। तो उसकी महत्ता बताने के लिए, उस उपयोग बताने के लिए, क्योंकि लोग निश्चिंत से हो गए, तो लोगों को बताने के लिए कि बचना है तो मास्क लगाए। कदम उठा सके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जन जागरण के लिए एक कार्यक्रम कल शुरू होगा सवेरे 11 बजे और शाम के 7 बजे सभी शहरों में, प्रदेश भर के कस्बों में साइरन बजेगा 2 मिनट के लिए। जब साइरन बजे तो आपसे अनुरोध है सभी क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से और हमारे विधायक साथियों से, मंत्री साथियों से, कि वो सड़क पर उस समय रहें, अगर घर में भी बैठे हो तो बाहर निकल के आए।
ये पानी की हालत है मुरैना नगर निगम में, ये गांधी कॉलोनी का सीन है और हमने इसकी सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत भी की है, पानी बिल्कुल से नहीं आता। ये वीडियो है, ये हम आपको शासन की फिल्म के साथ दिखा रहे हैं, रूबरू में भी दिखा रहे हैं। और ये जो कोरोना पे जारी बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, उसमें भी हम दिखा रहे हैं, हालत ये है, ये वीडियो है, ये पानी नहीं आता, बस फड़फड़ की आवाज़ आती रहती है। आज ही शिकायत की है, इसमें शिकायत का नंबर है सीएम हेल्पलाइन का, हम बताते हैं आपको। आज जो शिकायत दर्ज हुई उसका नंबर है 13709539 13709539, इसी चीज़ के बारे में दर्ज हुई है और ये है इसका सबूत। आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे इसकी, और पानी की बूंद नहीं आ रही है, ये दशा है गांधी कॉलोनी नगर निगम, पानी कभी नहीं आता, ये गत्र पीने का पानी सब खाली पड़ा हुआ है, एक बूंद पानी नहीं है पीने को, और ये दशा बना के रखी है। अब दरअसल पानी सप्लाई का जो जिम्मेवारी है जिसकी, यहाँ पार्क में उसका वो लगा हुआ है, वो कभी आते ही नहीं है, वो चाबी दे देता है दूसरों को, वो लोग चलाते नहीं कभी मोटर को, बंद करके रखते हैं। और लोगों ने अपने घरों पर सब मर्सिबल नगर निगम के लगवा के रखे हैं, उनसे अपने घरों में सप्लाई लेते हैं, और जो असल लोग हैं वो इस तरह परेशान होते हैं। पहले हैंडपम्प लगवाए, हैंडपम्प में मोटर डलवा के उन्होंने अपने घरों में सप्लाई करवा ली पानी की नगर निगम के हैंडपम्पों से, और दशा ये है पानी की सप्लाई की। मैं नरेंद्र सिंह तोमर, एडवोकेट, गांधी कॉलोनी मुरैना, ये मेरे घर का दृश्य है। आज भी सबसे ज्यादा प्रभावी उपाय अगर कोई है तो वो मास्क लगाना है, क्योंकि वायरस तो हवा में है, खत्म नहीं हुआ, वो हमारे शरीर में प्रवेश ना करे, तो नाक और मुंह हमारा कवर करना जरूरी है। इसलिए मैं अपील तो कर ही रहा हूं, लेकिन 23 तारीख को संकल्प का एक अभियान भी शुरू करेंगे। 23 मार्च के दिन सवेरे 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में
सभी शहरों में, प्रदेश भर में साइरन बजेगा और जो जहां रहेगा दो मिनट वहीं खड़े रह के वो मास्क लगाने का संकल्प लेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लेगा। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट के मेंबरान हैं उन सबके साथ में चर्चा हुई, जिसमें आज शासन स्तर से भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उसी निर्णयों को हमारे यहाँ पर मुरैना जिले में भी पालन करने हेतु निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला कि हमारा जो होली त्यौहार, आगामी त्यौहार जो आ रहा है, इसमें कोई भी सामूहिक कार्यक्रम, भंडारे और लोगों का एक साथ कोई मिलन समारोह आदि पे प्रतिबंधित लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, ताकि जो कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन केसेस को हम लोग नियंत्रण भी कर सकें और लोगों को ये एहसास भी दिला दें कि भाई अभी कोविड हमारी गई नहीं है। दूसरा ये भी निर्देश मिले हुए हैं कि 23 तारीख को कल 11 बजे और 7 बजे शाम को साइरन बजेगा, जिसमें माननीय विधायक गणों को और बाकी सारे अधिकारी गणों को मुख्य मुख्य जगहों पर जाकर वहाँ पर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं या दुकानों पे जो गोला आदि बना के सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं उसके तहत रोको टोको अभियान के तहत हम लोग कल के दिन में सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे हम लोग इसमें हिस्सा भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि कोविड के संबंध में लोगों को और सजगता बढ़े। तीसरी चीज़ ये है कि हम लोगों से ज़्यादा अपील ये करना चाहेंगे कि कोविड अभी गया नहीं है, जैसे हम लोग पिछले कुछ एक आध हफ्ते में देख रहे हैं कि केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों से अपील ये करना चाहेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट भी ये अपील करना चाह रहा है कि लोग जो है अब ज़रूरत पड़ने पे ही अपने घर से निकलें, मास्क नियमित रूप से पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग या 2 गज की दूरी हमेशा मेंटेन करें और जो 60 साल से ऊपर है और 45 से 59 के लोग के बीच में है वो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करें। सर जो मैनेजमेंट के कुछ अभी शासन की तरफ से सिर्फ ग्वालियर, तो सिर्फ छिंदवाड़ा जो महाराष्ट्र के समीपित जिले हैं, इंदौर और भोपाल और जबलपुर में निर्णय लिया गया कि संडे को वहां पर लॉकडाउन रहेगा। सर ये व्यापारियों में जो लॉकडाउन को लेकर जो अफवाह है उसको लेकर जमाखोरी शहर में जो संचालित हो रही है उस पर क्या कार्रवाई होगी? अभी आप ही जो बता रहे हैं तो संज्ञान में आया। सर लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं, जो आज की स्थिति है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लोग जागरूक हों। पहले से लोग कोरोना के बारे में जागरूक थे लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जो इसकी कोरोना से बचने की जो ज़रूरतें थी, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस बनाना, इससे धीरे धीरे लोग थोड़ा सा अलग हो गए थे। अब हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि लोगों के बीच जाएँ, उनको बताएँ कि भाई मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं है कि हम मार्केट बंद करवा दें, मार्केट की भीड़ भाड़ बंद करवा दें, इससे लोगों का बिजनेस और बहुत चीज़ें प्रभावित होंगी। तो हमारा भी यही रहेगा मेन, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये प्रचारित करें कि कोरोना से बचाव के लिए जो चीज़ें करी जानी चाहिए उसको वो करें, उस पर ध्यान दें। तो सर क्या अभी पुलिस के से कई जगह आपने देखा होगा चेकिंग भी कर रहे हैं हम, फाइन भी कर रहे हैं, नगर निगम का सहयोग भी ले रहे हैं, इसके साथ ही पुलिस उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, तो दोनों स्तर पे हम कार्रवाई करेंगे। और जो मार्केट जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे पुलिस जा रही है और ये कोशिश कर रही है कि भीड़ कम से कम रहे, लोग बिना मतलब के ज़्यादा देर तक ना रहें, अपना काम करें, निकलें। इसके लिए जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उनसे हम लगातार अनाउंस भी करवा रहे हैं। सर बिना तो नगर निगम की तरफ से जो भी जुर्माना वसूली की जाती है पुलिस जो उनके सहयोग में रहती है। जैसे अब दोबारा से जो कोरोना का कहर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है उसके लिए हमारी सरकार चिंतित है और हमको सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशक अपने अपने क्षेत्र में जाकर के और जनता को जागरूक करें, कोई बड़े कार्यक्रम नहीं करें, जो वैक्सीन आया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का काम करें। और हमने व्यापारियों से भी अपील की और आपके माध्यम से भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये
ये दो उपाय के अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि मास्क बहुत जरूरी है, मास्क लगाएं और अपनी दुकानों के सामने व्यापार करते समय सोशल डिस्टेंस का पालन करें, गोला बनाकर उसमें आदमियों को खड़ा करें, और जो भी 45 से और 60 तक के वो डायबिटीज है, हार्ट अटैक की बीमारी है, उनको वैक्सीन लगवाने का काम करें, और जो भी बुजुर्ग हैं 60 से ऊपर के उनको रेट करके हर हालत में जगह जगह सेंटर है उन पर वैक्सीन लगवाने का काम। आज माननीय मुख्यमंत्री ने बीसी के माध्यम से भी बताया है और पूरे जिले में और पूरे मध्य प्रदेश का एक मैसेज दिया है कि हर विधायक हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, तो मैं भी अपने क्षेत्र में रहूंगा। मैं भी अपने जिले के सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि मास्क की कोरोना महामारी का जो प्रकोप चल रहा है उसको मास्क के माध्यम से उसको अपन बचाव रखना है, मास्क लगाना है। ऐसे जिन लोगों को बीमारियां पूर्व में पहले से हैं उनको विशेष करके रखना है, उन्हें वैक्सीन लगवाना है और वैक्सीन में अधिक से अधिक लोगों का सहयोग करके बुजुर्गों के को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम करना है, और पूरे व्यापारियों के माध्यम से चाहे कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से इस कोरोना महामारी के बचाव में पूरा सहयोग करना है। ये हमारे मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आदेश है और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आग्रह है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए विशेष आवश्यकता और जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लें और उन्हें सुरक्षित रहें। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं, ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, ये आप कम से कम आप तो एक लेडी जो ये हरकत ठीक नहीं है, आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत।
सूचित किया जाता है कि ट्रैफिक का विशेष रूप से ध्यान रखें। पानी की हालत है मेरे अंदर दशा ये है।